कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत पहले से ही काफी खराब है और ऐसे में वो ईरान से पंगा लेने चला था। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहाँ की सरकार के पास शासन व्यवस्था चलाने का पैसा तक नहीं। चीन सऊदी के सहारे उसे थोड़ी बहुत मदद मिल रही, मगर जोश जोश में पाकिस्तान ने ईरान पर पलटवार करके युद्ध का माहौल बना दिया था। लेकिन फिर भी सवाल ये था कि इस हालत में भी पाकिस्तान क्या युद्ध का खतरा मोल ले सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस चीज को कैसे हम हल करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है और किसी सूरत ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका फायदा आपने देखा है कि भारत ने उठाया है और भारत के चूंकि ईरान से काफी करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। ईरान के जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। ईरान से बैठे बिठाए आफत लेना, ईरान से बैठे बिठाए अपना जो है वो कहल खराब कराना, इतनी बड़ी वजह हो जाएगी, इनको खुद को उम्मीद नहीं थी। अब देखते जाइए, ईरान एक तरफ तड़प रहा है, ईरान तड़प रहा है, उसको अपनी पावर शो करने का मौका नहीं मिल रहा है। ईरान चाहता है वो अपनी ताकत को शो करे, जैसे अमेरिका ने एक दौर में ना अफगानिस्तान पर अटैक किया था सिर्फ इसलिए कि अपनी ताकत दिखा सके, फेल हुआ जो भी अलग बात है, मगर किया। अब ईरान अपनी ताकत इसराइल को दिखाना चाहता है, यूएसए को दिखाना चाहता है, उनके ऊपर सीधा अटैक कर नहीं सकता क्योंकि उसका जो जवाब आएगा बड़ा खतरनाक होगा, तो वो अब डेफिनेटली अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेगा ज्यादा दिखाने के लिए कि देखो अमेरिका मेरे में कितनी ताकत है, दिखाने के लिए कि देखो इसराइल मेरे में कितनी ताकत है, और इनके पास में कुछ भी करने को नहीं रह जाएगा, इन्होंने अपनी बर्बादी खुद बुला ली है। ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोल डीजल एलपीजी मिलता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो उसके पीछे का जवाब है उसके संबंध, वो भी रूस और चीन से। ये वो दो देश हैं जिनके इशारों पर पाकिस्तान उछलता है, साथ ही ईरान के भी संबंध इन दोनों देशों से बहुत खास। ईरान से चीन के संबंध की बात करें तो चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और यहाँ तक कि ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीददार भी। पिछले साल चीन की कंपनियों ने 10 साल में सबसे ज्यादा ईरानी तेल खरीदा था। देखा जाए तो IMF के कर्ज पाकिस्तान पर चल रहे, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर चीन का अरबों डॉलर का कर्जा है। चीन कभी ये नहीं होने देता कि पाकिस्तान ईरान से युद्ध लड़े। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान भी CPEC के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। पाकिस्तान की कुछ जगहों पर चीन की नजर है। भारत को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर ईरान हमला करता तो पाकिस्तान को कम, चीन को ज्यादा नुकसान होता। पाकिस्तान भी ये बात समझता है और इसी वजह से उसका पलटवार बस दुनिया को भ्रमित करने के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और इसीलिए हमला करने के बाद भी वो सफाई देने में जुट गया। तुर्की, चीन, रूस सब देशों से बात करने में लग गया और इन देशों की बातचीत के बाद ही ईरान भी शांत हुआ। कुल मिलाकर पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं। अभी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में, ब्रादराना ताल्लुकात में या दो हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में कोई गैप आया है तो उसका फायदा आपने देखा है कि भारत ने उठाया है और भारत के चूंकि ईरान से काफी करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। और आपने अभी कुलभूषण यादव की एग्जांपल दी है, इस तरह की और चीजें भी, भारत ने कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जब भी कभी कोई रखना डालने की कोशिश हो। आज आप ईरान से एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं, उस मिलिट्री बेस को अगर आप ईरान को किस तरीके से यूज करवा रहे हैं या वहां से पाकिस्तान के अंदर वो अटैक करवा रहे हैं नजर आई है। रियलिटी ये है, इंडिया की आज तक की फॉरेन पॉलिसी सिंपल फॉर्म में यह है कि भैया ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, और मैं केवल अपनी लड़ाई लड़ूंगा, दुनिया में किसी दूसरे की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। चार्टर यहां पे सल्टा नहीं है, ये और आगे जाएगा और ईरान ठोकेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को पता है। ये कहते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो, ऐसी ये है, ऐसी भी मुसलमान थे, तो ये सारा फ्रॉड करते रहेंगे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान ठोकेगा। और मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मी चीफ अमेरिका और इजराइल का एजेंट है, मैं आसिफ मुनीर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ तुम गलत कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं। वरना ये देखिए, ईरान को पता था ये क्या कर रहे हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि ये ईरान ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, उससे चंद रोज पहले जो भारत के वजीर खारजा थे जयशंकर, वो ईरान के दौरे पर थे, तो कुछ स्पेकुलेशन ऐसी भी हैं कि शायद ईरान ने ये हरकत भारत की ईमा पर की है या भारत ने उनको इनकरेज किया है,
और भारत का जो रद्द अमल भी है जब ईरान ने हमला किया तो दो के उन्होंने ये कहा कि ईरान और पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत की ये पॉलिसी है कि वो दहशतगर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पर बिलीव करता है। देखिए एक चीज और वी मस्ट अंडरस्टैंड, ज्योग्राफी है पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान के, इस रीजन को आप लेते हैं तो वी आर ज्वाइंट एट द हिप्स, मतलब थ्री वे, ये हम इस तरीके से ज्वाइंट है कि हम एक दूसरे के बगैर ना रह सकते हैं, और अगर चाहें भी अगर एक दूसरे को हम डिस्टेबलाइज करेंगे तो अपना नुकसान खुद करेंगे। अफगानिस्तान भी इस बात को समझे कि उनके जज़्बात हमसाए ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के साथ हैं, उनके लिए एक तरजीह की हैसियत होनी चाहिए उनके लिए, बनस्बत इसकी कि वो अपने हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं या बाकी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको तरजीह दें और फिर कुछ चीज़ों की तरफ दूसरी तरफ रुख करें जो ज़ाहिर है इस खत्ते के लिए बेहतरी का सबब नहीं। पाकिस्तान तो हमेशा इसको देखता रहा है, लेकिन पहली दफ़ा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी एक मस्बत कदम उठाया गया। नहीं तो ईरान, बात यह है कि ईरान के हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो फिर उन्होंने ऐसा काम वो तो नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। इज्जत बनाई जाती है या भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, खाते रहते या डिफॉल्टर नहीं लगता, फिर भीख मांगने जो इज्जत कौन करेगा। मैं भी 60 साल से यही सुन रहा हूँ, ये वो 100 साल भी लगे रहे वो इनको एक टोटा भी नहीं देंगे, इस तरह से ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो बहुत आगे चला गया, वो चांद पे चल गए हैं, यहाँ भी बिजली और गैस नहीं है, वो चांद पे चलेंगे। तो हमारा चांद बना हुआ है, उनका मुकाबला अब नहीं है, वो हम बहुत पीछे रह गए, हम 70 में उनके साथ बराबर पे थे, सन 70 में, लेकिन उसके बाद हम नीचे आते गए हैं, ये सिर्फ हुक्मरानों की नाअहली की वजह, अब कुछ पीछे हम उनसे, हम जीरो हो गए उनके हिसाब से, वो बहुत आगे चले गए, हम उनको नहीं पकड़ सकते। अब इल्ज़ाम भी ना लगाएं तो फिर इल्ज़ाम जी ये पाकिस्तानी कौम का है क्या, इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं ना, हुक्मरान एक दूसरे पे लगाते हैं, लीडर लगाते हैं, तो ये इन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। इसमें हमारे मुस्लिम कंट्रीज हमारी कदर करेंगे, वो तो हमें झूठा कहेंगे। सऊदी अरब देख लो, वो हमारी मेहनती करता, उनकी करता है, सारे इंडियन उसने सारे प्रोवाइड किए उधर, सब पाकिस्तानी को अच्छा समझते हैं, कोई नहीं तो उन्हीं की होगी। मोदी अपने जैसा भी है उसने अपने मुल्क को ऊपर ले गया, वो ये हुक्मरान नीचे लेते आते हैं, बस डिफॉल्टर होने लगा, डरा के रखते हैं लोग, गैस महंगी, बिजली महंगी, आज चीज इन्होंने तूफान मचाया हुआ, ऊपर लेके गया तो आज उधर के मुसलमान उनके हक में। हाँ तो बात तो यही है ना, ये हम बहुत कमजोर हैं, हम बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके। ईरान के साथ पाकिस्तान ने जो किया, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है ना, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान ने अपने सर पर कुल्हाड़ी दे मारी। क्यों? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, ईरान की अभी की आप कंडीशन को समझो, ईरान के एक तरफ हमास वाले इसराइल के साथ में लड़ रहे हैं, एक तरफ उसके हूती जो है यहां पे लड़ रहे हैं, ईरान का खुद का जो युद्ध है ऑन एंड ऑफ जो है वो सुन्नी कंट्रीज चलता रहता है, कहने को कुछ भी हो जाए कि भाई दोस्ती हो गई, चाइना ने जो है वो सऊदी की ईरान की दोस्ती करा दी, असलियत सबको पता है राजनीति में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती और इस्लामिक वर्ल्ड में कभी भी नहीं हो सकती, एक परिवार में दोस्ती नहीं होती है जो इनका इतिहास है, तो दो देशों में क्या होगी, वो भी सिया सुन्नी देशों में कहां से हो जाएगी, हो नहीं वाली। खैर बड़ी बात जो है वो ये है, इसराइल हमास वालों के पीछे पड़ा है, हमास की ऐसी तैसी कर रहा है, ईरान के पास कुछ नहीं है करने को, अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है, अमेरिका जो है आप देखिए कभी कभी ईरान में खबरें आती हैं, अमेरिका ने ब्लास्ट करवा दिया, ये करा दिया ईरान को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी गर्दन उड़ता रहता है, ईरान कुछ ऐसा है सीधे अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता। हूती वाले मामले में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, ईरान वहां पे खुल के जाके हमला नहीं कर सकता, तो ईरान जो तड़प रहा है बहुत समय से, ईरान लंबे समय से तड़प रहा है कि मैं किसको अपनी पावर दिखाऊं, अब उसको बकरा मिल गया है, कोई सामने से आ गया कि हाँ मेरी जान ले लो, मेरे ऊपर जो है अपनी ताकत दिखाओ, अब देखिए आप देखते जाइए क्या होता है। अब क्योंकि ईरान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दिखाए अपनी पावर, उसको अपनी पावर दिखानी है इसराइल को, उसको अपनी पावर दिखानी है अमेरिका को, उसकी अपनी पावर दिखानी है सऊदी को, उसके लिए वो डेफिनेटली पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और बैठे बिठाए उन्होंने आफत बुलाई है, अब इनकी ऐसी तैसी होगी और कुछ भी नहीं।